नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बाराबंकी जिले के एक विद्यालय की लापरवाही के चलते एक छात्र ने खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर घर लौटकर आए छात्र ने विद्यालय में रजिस्ट्रेशन में हुए धांधली से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक ने इंटरमीडिएट का छात्र बताया जा रहा है और घर वालों को छात्र का शव घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला सफदरजंग थाना क्षेत्र के ग्राम मिठवापुर मजरे बघोरा गांव का है, जहां के निवासी राम रमेल रावत का 17 वर्षीय बेटा जय किशन सफदरजंग के उधौली में स्थित एक विद्यालय में इंटरमीडिएट का छात्र है। राम नेवल का आरोप है कि जय किशन ने जिस रोल नंबर से 12वीं की परीक्षा दी थी, रिजल्ट घोषित होने पर उस रोल नंबर पर किसी और छात्र का रिजल्ट था। उन्होंने इसकी शिकायत 5 अगस्त को DIOS के करते हुए विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और पिता ने DM को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि उसके बेटे से रजिस्ट्रेशन के समय भी सभी प्रमाण पत्र जमा कराए थे। छात्र ने परीक्षा में भाग भी लिया, पर जब रिजल्ट आया तो उसकी जगह पर किसी छात्रा का नाम लिखा दिख रहा था। छात्र के पिता के मुताबिक 16 अगस्त को छात्र को विद्यालय की तरफ से 3,000 रुपए को लेकर रिजल्ट ठीक कराने के नाम पर बुलाया गया था, लेकिन छात्र केवल 1,000 रुपए का ही इंतजाम कर सका। वहीं विद्यालय से शाम को जब जय किशन वापस घर लौटा तो उसने बताया कि विद्यालय में उससे 1,000 रुपए जमा करा कर इंटर का फॉर्म दोबारा से भरवाया जा रहा था। उससे कहा गया कि अब उसके रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं हो सकता। छात्र ने बताया कि विद्यालय में उससे कहा गया है कि पिछला जो भी हुआ उसे भूल जाओ और नए सिरे से फॉर्म भरकर फिर से पढ़ाई करो। इसके बाद जय किशन घर से निकल गया और देर शाम एक बाग में उसका शव पेड़ से लटका मिला। वहीं इस मामले में बाराबंकी के DIOS डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने पर जांच टीम गठित की है, जिसमें वित्त और लेखा अधिकारी बेसिक और राजकीय हाई स्कूल पूरे डलई के प्रधानाचार्य डॉक्टर एहरार को जांच दी गई है। अधिकारी मौके पर भी गए थे, पर विद्यालय में स्टाफ न मिलने की वजह से पत्र नहीं मिल सके और इसी दौरान छात्र ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में विद्यालय प्रबंधक को 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं और अगर इस अवधि में विद्यालय द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया तो दोषी मानते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, यह घटना घटी कि फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था मेरे साथ, हम भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर पास हुए, फिर इंटर में रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर प्रैक्टिकल दिया मैंने, हम तीनों लोग प्रैक्टिकल दिए, तो हमें जो नंबर मिल गया, जब रिजल्ट के प्रमोट हो गए ना हम लोग, तो फिर उसका रिजल्ट घोषित हुआ तो हम जो रोल नंबर डाला तो हमारा नहीं दिखा रहा था ना उसका दिखा रहा, हमारा ऑल फिक्स दिखा रहा तो उसका रोल नंबर नहीं दिखा रहा, दूसरा नाम दिखा रहा था, तो उसने स्कूल गया, पता किया तो कहीं तुम्हारा नाम काट दिया गया है, अब तो हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे बाराबंकी जाके फिर उसका एप्लीकेशन दिया, फिर स्कूल में फ़ोन आया कि 3,000 रुपया लेके आओ, हम सही कर देंगे। फिर उसके बाद 1,000 रुपया संभाल को लेके गए, फिर लक्ष्मी वर्मा थी प्रधानाचार्य, वहीं पे कुछ बात हुई, फिर दोबारा फर्स्ट ईयर में करना चाहते थे, फिर उसने नहीं करवाया, फिर घर आया, डिप्रेशन में था, शाम 5-7 बजे गया, 5 लगा। मामला सर, हम ग्राम मिठवापुर में रहते हैं, हमारा लड़का जो है बाबूराम मनोहर इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उसका इंटर परीक्षा दे दिया था, उसकी जो है रिजल्ट रोल नंबर की जगह पर दूसरे लड़का का नाम दिखा रहा था, तो कॉलेज से संपर्क किया, फ़ोन किया, तो मास्टर ने बताया कि जो है आपका नाम काट दिया गया है, तो आपका जो है तो कहीं नहीं सही हो पाएगा, कहीं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमने जो है जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दिया, जिला विद्यालय निरीक्षक को एप्लीकेशन दिया, उसके बाद जो है यहाँ से बाबू बोले कि जाके स्कूल में मिल लो, मुलाकात कर लो, वहीं से सही होगा, तो लड़का को अपने और पिताजी को हमने भेजा, जो स्कूल गए तो वहाँ पे बोले कि जो है सोमवार को 3,000 रुपये लेके आना तो तुम्हारा मार्कशीट सही कर देंगे। लड़का बोला कि हमको इंटर की मार्कशीट चाहिए, साइंस शहर से पढ़ते थे हम, इसी साल की हमको मार्कशीट चाहिए, तो
तो कहें ठीक है मैं इसी साल की मार्कशीट सही करा के दूंगा। उसके बाद सोमवार को जो है 16 तारीख को लड़का मेरा 3000 रुपये मैंने नहीं इकट्ठा कर पाया, 1000 रुपये इकट्ठा करके उसको दिया और स्कूल गया तो वहाँ पे जो है फीस जमा कर लिया, रसीद काट दी। उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन का फार्म भरने लगे। लड़का बोला कि जो है फार्म किस का भर रहे हो, कहें एडमिशन का, कहें कौन क्लास का, तो बोले कि जो है फर्स्ट ईयर का। तो लड़का ने कहा मैंने का जो है एडमिशन नहीं कराएंगे। हम तो चला है वो हम तो इंटर कर चुके हैं। हाँ हम तो इंटर कर चुके हैं सर, बस वो घर चला आया सर। चिंता में तभी रहता था जो जब से रिजल्ट नहीं मतलब इनके नाम का आया तभी से। उसके बाद शाम को जो है फांसी लगा लिया। अभी आप क्या चाहते हैं सर? हम कार्रवाई मतलब जो है कि इंसाफ, जो हमारे गलती किया गया है, हम लड़का को परेशान किया गया है, उसके संबंध में कोई कार्रवाई की जाए, हमको इंसाफ दिलाया जाए। तो उसको कौन परेशान करता था? बाबू राम मनोहर इंटर कॉलेज की जो रिजल्ट जो है उसके नाम पे दूसरे के लड़का का किया गया है। नहीं तो वो परेशान कौन करते है? वो कौन थे वहाँ के अध्यापक थे, कौन था? आनंद वर्मा प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य लक्ष्मी। तो आप लड़के के क्या है? पिताजी हैं सर। क्या नाम है? राम नेवल। नहीं ये प्रकरण एक हफ्ता पहले मेरे संज्ञान में आया था, मेरे द्वारा संबंधित विद्यालय को नोटिस जारी की गई थी कि आप अभिलेख उपलब्ध करा दें। कल तक का समय था, कल अभिलेख नहीं आए तो मैंने कल ही दो सदस्यीय टीम गठित कर दी थी जो आज वहाँ पर विद्यालय में अभिलेखों का सत्यापन कर रही है और सत्यापन रिपोर्ट संभवतः आज या कल सुबह तक मुझे प्राप्त हो जाएगी। तदुपरांत मैं निर्णय ले लूँगा। अगर विद्यालय द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती गई है तो निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी और बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर मृतक के छात्र के साथ जो उसका फ्रेंड था उसका भी कहना है कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल साथ में दिया था तो नहीं, जो उन चीज़ों की जो बात आप कह रहे हो तो उस पर मैं भी कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जब तक हमारे पास अभिलेखी साक्षी नहीं होंगे। पीड़ित पक्ष के अभिलेखी साक्षी हैं, विद्यालय के साक्षी हम इकट्ठा करवा रहे हैं और दोनों साक्षियों को रख करके जो होगा वो सार्वजनिक होगा और उचित कार्रवाई होगी। वहीं अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कब तक और क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए ज्यादा रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ नया अपडेट है? प्रशासन की लापरवाही और भुगतान जो है परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो था वो किसी और के नाम पर कर दिया। लापरवाही सरासर प्रशासन की है। ये जो है प्रशासन की लापरवाही माने या जो इंटर कॉलेज है क्योंकि इंटर कॉलेज में एक छात्र पढ़ रहा था, पूरी तरीके से यहाँ पर इंटर कॉलेज की लापरवाही सामने आए हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब एक छात्र करवाता है, छात्र के रजिस्ट्रेशन के दौरान जो विद्यालय प्रशासन द्वारा इसका नाम हटाकर या भूलवश जो है एक लड़की का नाम वहाँ रजिस्ट्रेशन में दर्ज हो जाता है। बच्चा जाता है, छात्र जाता है, एग्जाम देता है, एग्जाम में पास होता है लेकिन जब मार्कशीट लेने जाता है, रोल नंबर की मार्कशीट निकाल आता है तब फिर वहाँ इस बच्चे की जगह पे छात्र की जगह पे एक लड़की का नाम आता है। इसको सही कराने के लिए वो विद्यालय पर जो मैनेजमेंट से संपर्क करता है लेकिन मैनेजमेंट 4000 की मांग करता है इसको सही कराने के लिए। ये गरीब परिवार का बच्चा था, ये छात्र था, ये जाकर 1000 रुपए की किसी तरह से व्यवस्था करता है और ये विद्यालय जाता है। विद्यालय में ये बताया जाता है कि रविंद्र अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्या उनके तरफ से कुछ कहा गया कार्रवाई को लेकर? क्योंकि देखिए गरीब परिवार का बच्चा था, उसके लिए 1000 भी लाना बहुत बड़ी बात थी और इसने कहीं ना कहीं से उसका इंतजाम किया लेकिन उसके बाद भी उसे खुदकुशी करनी पड़ी, ये बेहद ही दुखद है। तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पारुल, इसमें जो है विद्यालय जो निरीक्षक है उस पर अपनी टीम जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने उस पर सफर किया तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने यहाँ पर साफ तौर पर बताया है कि जो दो सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है और वो जांच टीम उस विद्यालय पर पहुंची थी पर जो है विद्यालय से कोई कर्मचारी नहीं मिल पाया है। इसके बाद अगले दिन इसको भेजा जाएगा और जांच में जो लापरवाह होंगे, जो इससे लापरवाही किए हैं क्योंकि एक छात्र जो है अभी छात्र पढ़ रहा था, उसको आज सपने थे बनना था, उस छात्र की यहाँ पर मौत हुई है तो दुखद है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से जांच कर ठोस से ठोस कार्रवाई और जो है इस मामले में करने की बात कही गई है न्यूज इंडिया को। रविंद्र, आप परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना है? परिवार वाले क्या कुछ मांग कर रहे हैं?
देखिए पैरुल, जब परिवार से संपर्क किया गया तो परिवार लगातार यहाँ पर विद्यालय की जो है लापरवाही बता रहा है। परिवार वालों का कहना है कि किसी तरीके से बच्चे ने, और हमने 1000 इंतजाम किया और वो जो बच्चा लेकर विद्यालय पहुंचा, विद्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा है कि दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्जाम देना पड़ेगा, फिर सही हो पाएगा, ये जो गलती हो गई इसमें नहीं सही हो पाएगा। तो इससे क्षुब्ध था बच्चा और उसके चलते उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर एक बाग में पेड़ से आत्महत्या कर ली है। तो परिवार लगातार इस विद्यालय पर, जो विद्यालय की जिसकी लापरवाही है, जो विद्यालय मैनेजमेंट है इसकी लापरवाही है, इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी बारू जी, चलिए रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पारबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर छात्र ने रिजल्ट जब देखा तो किसी और का नाम उसके रजिस्ट्रेशन नंबर पर लिखा हुआ आया था। हालांकि छात्र ने जब इसकी शिकायत की तो प्रशासन की तरफ से, विद्यालय की तरफ से ये कह दिया गया कि आप अपना 2000 रुपये देकर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अगले साल आपका दोबारा से रिजल्ट आ जाएगा, जिससे दुखी होकर छात्र ने ये कदम उठा लिया और आत्महत्या कर ली। हल्द्वानी के टांडा हॉल्ट स्टेशन आगरा फोर्ट से चलकर रामनगर जा रही ट्रेन की चपेट में आकर बच्चा हाथी सहित नर हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हाथियों की मौत की खबर जैसे ही वन विभाग को मिली तो वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और ट्रेन के यात्रियों को वापस सिडकुल हॉल्ट से रामनगर काशीपुर गुलरबाज के लिए बस के जरिए भेजा गया है। इस घटना से गुस्साए हाथियों ने रेल ट्रैक घेर लिया और ट्रेन को आगे नहीं जाने दिया। इस दिन बता दें, घटना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को शांत होने का इंतजार किया और घटना के बाद काशीपुर से कासगंज जाने वाली ट्रेन भी वापस गुलर भोज से काशीपुर भेज दी गई। बताया जाता है कि यह घटना सिडकुल रेलवे हॉल्ट से करीब 500 मीटर घनघोर जंगल में हुई, जहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। हरिद्वार के रोशनाबाद कोषागार के में डबल लॉक की सुरक्षा गार्ड में भी तैनात पुलिसकर्मी सुनील यादव ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। वहीं इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। हालांकि घटनास्थल पर जांच के लिए अधिकतर पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मृतक ने खुदकुशी क्यों की। सूत्रों की माने तो मृतक का कोई विभागीय मामला चल रहा था, जिसके चलते मृतक पुलिसकर्मी काफी समय से तनावग्रस्त था। आपको बताते चलें कि मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए, अराउंड ये 9 बजे की के समय पर ये सूचना आई थी कि हमारे कांस्टेबल एपी है, जो इस वक्त ट्रेजरी गार्ड रोशनाबाद में कार्यरत है, वो मृत पाए गए थे। तो उसी में अभी चेक किया गया है, सभी ने एसएसपी सर के साथ सभी उच्च अधिकारी यहाँ पे घटनास्थल पे आके निरीक्षण वगैरह किया गया, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाकी जैसे भी फैक्ट्स आएंगे, क्या कुछ कारणों का पता लगा, क्या कारण? नहीं, अभी कोई ऐसे कारणों का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ इस घटना को, तो वही पूरे चेकिंग करवा रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो बता दें, हरिद्वार के रोशनाबाद का ये पूरा मामला है कोषागार का, जहाँ पर सुरक्षा गार्ड में तैनात पुलिसकर्मी सुनील यादव ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। और अब बता देते हैं, इस पूरी घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि घटनास्थल पर जांच के लिए अधिकतर पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार, क्या कुछ नया अपडेट है, क्या अब तक वजह सामने आ पाई है कि क्यों गोली मारकर खुदकुशी कर ली सुनील यादव ने? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये मामला है ये हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में हुआ है, और जो इसकी आत्महत्या कहें या हत्या कहें, अभी इस तरह खुलासा नहीं हो पाया है। और मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी, सभी लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और छानबीन चल रही है। वहीं फोरेंसिक टीम को भी देहरादून से यहाँ पर बुलाया गया है, जो जगह के नमूने लेकर और फोरेंसिक टीम जांच के लिए भेज जा रहे हैं। और अभी कोई तथ्य इस तरह खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं कि इसको क्या इसका प्रारूप दिया जाए। जी जी, इंतजार, कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि विभागीय कुछ मामला चल रहा था, जिसकी वजह से सुनील यादव पिछले काफी समय से परेशान थे, क्या यही वजह निकलकर सामने आ रही? प्रशासन, पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो मामला है कि कुछ विभागीय मामला चल रहा था और इसी की वजह से जो ये सिपाही है इसने खुदकुशी जैसी घटना को खुद पर अंजाम दिया है। तो अधिकारियों जब इस संबंध में बात की जा रही है तो अधिकारी इस संबंध से बिल्कुल बचते नजर आ रहे हैं और कोई ठोस जवाब कोई अधिकारी इस तरह नहीं दे रहा है। सभी एक ही जवाब है कि जो भी कार्रवाई है जाँच होने के बाद सभी कार्रवाई सभी के सामने लाई जाएगी। जी जी चलिए, इंतजार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें रोशनाबाद थाने का ये पूरा मामला है जहां पर सुनील यादव पुलिसकर्मी ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि अभी वजह साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन लगातार पुलिस विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है। कालाडूंगी में पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कमोला भीमपुरी में काश्तकारों की जमीन का भूकटाव हो रहा है जिससे किसान काफी परेशान हैं। वहीं पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख और संयोजक मनोज पाठक ने परेशान किसानों की जमीन के नुकसान का जायजा लिया। वहीं बता दें कमोला भीमपुरी में भारी बारिश के चलते नाले का बहाव भी खेतों में आ रहा है और ऐसे में कमोला भीमपुरी के काश्तकारों की 10 से 12 एकड़ जमीन भूकटाव होने से काश्तकारों में रोजी-रोटी का संकट भी मंडराने लगा है। वहीं ग्रामीणों ने कई जनप्रतिनिधियों को नुकसान की जानकारी दी लेकिन किसी ने पीड़ित किसानों की एक नहीं सुनी है। वहीं नारायण सिंह डोगरा ने पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक से फोन पर बातचीत की और किसानों की जमीन के कटाव के संबंध में जानकारी भी दी है और जल्द ही अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को सुलझाने की बात कही। सर मेरा नाम नारायण सिंह डोभाल, मैं ग्राम कमोला भीमपुरी गेट का निवासी। सर हमारे वहाँ लगभग 10 एकड़ ज़मीन इस प्राकृतिक आपदा ये पानी के तेज कटाव से प्रभावित है जिसमें मिलिट्री फार्म का सारा पानी हमारे रोड को क्रॉस करते हुए खेतों में आ रहा है और नाला तो यहाँ पहले से ही है और उस नाले जब ज़्यादा बारिश होती है तो नाले का पानी भी वापस लौटकर खेतों में आ जाता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत सर हमें ये जो मिलिट्री का पानी जो उसका रुकावट नहीं है मिलिट्री वालों के पास, वो पानी सब पुलिया को क्रॉस करते हुए और सारे खेतों में आके बड़े बड़े साफ गड्ढे बना दिए हैं। थोड़ी सी बारिश भी होती है तो मिलिट्री का सारा पानी इकट्ठा होकर हमारे खेतों को आ रहा है। इससे कम से कम 10-12 एकड़ जमीन प्रभावित है। ये जगत सिंह सामंत के खेत में फर्स्ट एंट्री इस पानी की इसके खेत से होती है और नीचे फिर कई काश्तकार हैं उनमें ये पानी बहते हुए मिट्टी का कटाव करते हुए जंगल तक चलेगा। कमौला क्षेत्र में बाढ़ आने से पूरा भू कटाव का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसानों को काफी क्षति हो गई है और हमारे क्षेत्रीय जनता में से जगत सिंह सामंत, कुंदन जी, इन सब लोगों ने मुझे बताया और आकर के मैंने देखा जिस तरह से स्थिति है, इसमें शासन के उच्चाधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को अवगत कराया जाएगा। उत्तरकाशी में हितेश सेमवाल ने कोतवाली उत्तरकाशी में अज्ञात नंबर से कॉल कर 90,000 रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में लिखित तहरीर दी थी। मामला साइबर ठगी से जुड़ा होने की वजह से पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी और थाना अध्यक्ष कोतवाली उत्तरकाशी को मामले में ठोस कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली उत्तरकाशी और SOG उत्तरकाशी की एक संयुक्त टीम गठित की गई है। वहीं टीम ने सभी साक्ष्य को जुटाकर कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ ही आरोपी से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। फोन करके दो लोगों से उत्तरकाशी जनपद में एक व्यक्ति से 90,000 और एक व्यक्ति से 70,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई थी जिसमें फरवरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें से एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त था उसके बारे में जानकारी की, सर्विलांस के माध्यम से उसका पता निकाला गया। उसका नाम रईस खान है, ये भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसको इसकी गिरफ्तारी हुई दिल्ली से, आज इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।
फतेहपुर में खेत के विवाद में दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग लाठी और डंडों से महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं और इस पूरी घटना में महिला सहित तीन लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल की। बता दें, मामले में घायल महिला ने मारपीट करने वाले दो लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है और इसके साथ ही महिलाओं के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पथहा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मथुरा के थाना जमुना पार सिद्धार्थ नगर में बीती रात मुहर्रम की वलीमा दावत पर जहरीला पदार्थ खाने से एक ही परिवार के कई लोग बेहोश हो गए, जो अब जिला अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल थाना जमुना पार के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले राजू मोहम्मद और उनकी पत्नी सहित सात बच्चे जहरीले विषाक्त पदार्थ के सेवन से बेहोश हो गए, जिन्हें परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने बताया कि कल हमारा त्यौहार था, जिसमें घर पर वलीमा दावत का आयोजन किया गया था और घर पर ही खाना बना था, जिसको लेकर बीती रात सभी ने दावत की और उसके बाद सभी लोग एक एक कर कर सो गए। पर जब सुबह तक नहीं जागे तो आसपास पड़ोस में खलबली मच गई और आनन फानन में पड़ोसियों ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां कुछ बच्चों को होश आ गया है पर कई बच्चे अभी भी बेहोश हैं। इसके साथ ही पति पत्नी भी फिलहाल बेहोशी की अवस्था में ही नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान एक 20,000 के नामी सुपारी किलर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहे थे, तभी चिनौरा पुल पर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं जबकि एक अन्य साथी बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और साथ ही बता दें कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि 20,000 का इनाम मी सुपारी किलर चरत सिंह किसी व्यक्ति की सुपारी लेकर अपने साथी के साथ उसकी हत्या करने जा रहा है। वहीं सूचना पर एसओजी पुलिस और कई थानों की पुलिस चिनौरा पुल पर घेराबंदी कर बदमाशों का इंतजार करने लगी और जैसे ही बदमाश बाइक से पुल पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 20,000 के नामिया बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बता दें, पकड़े गए बदमाशों के पास से दो देसी तमंचे और बड़ी मात्रा में कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने घायल को फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस की पूछताछ अभी भी जारी है। ये एक इनामी है चरण सिंह, ये फरिया थाने से 20,000 का इनामिया था। हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉलो कर रहे थे, इनामिया था, पकड़ना था हमको। आज सूचना मिली कि ये किसी की हत्या करने जा रहा है, एक चनौरा पुल है वहाँ पे, चनौरा पुल के पास हत्या करने जा रहा है, तो वहाँ पे इसकी घेराबंदी की गई। इसने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ से जवाब दिया इसका, इसको गोली लगी। एक इसका साथी फरार हुआ, उसको दौड़ा के पकड़ा गया, दोनों पकड़े गए और बरामदगी हुई। पूछताछ की गई तो पता लगा कि योगेश अपने ससुर की हत्या कराने की ही सुपारी लिया था इससे, वहीं ये लोग जा रहे थे हत्या करने। इस तरह से जामाजी दिखाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और एक हत्या को बचाया और इनामिया को पकड़ा। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के टीम की खबर का बड़ा असर मदरसे में देखा गया है। बता दें, मदरसे में ध्वजारोहण का विरोध करने पर मामला दर्ज किया गया था। दरअसल आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद उपजे विवाद के बाद पुलिस ने बयानबाजी करने वाले शहर मुफ्ती खुबेब रूमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मुकदमे में शहर मुफ्ती के साथ उनके बेटे को भी नामजद किया गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर ताज नगरी आगरा की शाही जामा मस्जिद के अंदर बने मदरसा ए औलिया में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया गया था, जिसके बाद शहर मुफ्ती खुबेब रूमी ने ऑडियो वायरल कर मस्जिद में हुए ध्वजारोहण और राष्ट्रगान को कुछ अभद्र बताया था। और वहीं बता दें, तमाम हिंदूवादी संगठनों और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी की तहरीर के बाद आगरा पुलिस ने बयान जारी करने वाले शहर मुफ्ती खुबेब रूमी और उनके बेटे हमदुल
कुद्दास के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम के अंतर्गत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही शिकायत करने वाले इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी को भी सुरक्षा प्रदान की है। वहीं आगरा पुलिस कप्तान मुनिराज ने बताया कि जारी ऑडियो की जांच की जा रही है, जिसके बाद शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगस्त 15 का जो दिन वहाँ पे जो जुम्मा मस्जिद और वहाँ पे मदरसा दोनों आपस वहाँ पे एक चटाव का बिल्डिंग है, वहाँ पे जो झंडा फहराने के लेके कुछ ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद वहाँ का जो मदरसा का चेयरमैन है मिस्टर असलम कुरैशी ने एक एप्लीकेशन पुलिस के दिया था। वहाँ पे जो घटना कार्यक्रम हुआ था उसी में उनके साथ जो वहाँ पे बात हुआ था जो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लेके उन्होंने वहाँ पे जो उनके साथ बातचीत हुई है और उसके बाद उनका धमकी भी दिया है इस तरह का बात कर आपने इसे वहाँ काम किया सरकार, उसके आधार पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, उसी के आधार पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर ली है। 153B और 505 सेक्शन और सेक्शन 508 और सेक्शन 3 राष्ट्रीय ध्वज अवमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज किया है और पुलिस एफ आई आर दर्ज करके उस पर दो लोग नामजद किया है और पुलिस इसकी विचना जाहिर की और आगे विचना में जो भी सबूत इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।